अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर व आफ़ियत से अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। जी तो आज मैं बना रही हूँ गोभी वाले पराठे। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे जो है ना थोड़ा थोड़ा आटे से पेड़े बना लिए हैं चार, और जो कि मैं दो आज गोभी वाले पराठे बना रही हूँ। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने गोभी निकाल ली है और अब मैं इसे करने लगी हूँ मैश। जी तो देखिए गोभी को मैंने कर लिया है मैश अच्छी तरह से। जो भी इसमें मोटे मोटे आलू थे वो सारे मैंने मैश कर लिए हैं, और इसका बिल्कुल जो है ना मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसे हम जो है ना इसकी फिलिंग करते हैं पेड़ों में। यहाँ पे मैंने जो पेड़ों की छोटी छोटी रोटियां बना ली हैं, अब मैं इस पे ऑयल लगा दूंगी सारों पे। जी तो सब पे ऑयल जो है ना मैंने लगा दिया है। अब मैं इसमें करूँगी गोभी की फिलिंग। तो यहाँ पे मैं इसमें गोभी डाल दूँगी सब में। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने जो है ना दोनों पेड़ों के ऊपर जो है ना मिक्सचर लगा दिया है, और अब मैंने बंद कर दूँगी। यहाँ पे मैंने इसे कर दिया है बंद, और इसे भी अब बंद कर दूँगी। ये देखें जी, दोनों जो है ना पेड़े वो मैंने बंद कर दिए, और अब मैं शुरू करती हूँ पराठे बनाना। जी तो यहाँ पे मैंने पराठा बेल लिया है अपना, ये देखें, और इस पे पेड़ा बनाया हुआ है, और ये पराठा बेल लिया। और अब मैं इसे डालती हूँ तवे पे। तवा मैंने गरम कर लिया है और शुरू करती हूँ। जी तो तवे पे मैंने डाल दिया है पराठा, और अब मैं इस पे लगाती हूँ ऑयल। जी तो पराठे पे लगा लिया ऑयल, अब मैं इसे उल्टा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, पराठा मैंने उल्टा दिया है। जी तो अब इस साइड पे मैंने ऑयल लगा दिया है, और दूसरी साइड से ये बन रहा है। तो देखते हैं दूसरी साइड से पक गया है, तो फिर इसे उल्टा देती हूँ मैं। नहीं, अभी इसमें थोड़ा सा कच्चा है। जी तो यहाँ से दूसरी साइड से पक गया, तो अब इसे उल्टाते हैं। माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त और मज़े का पराठा तैयार हुआ है। तो मैंने तो इसे दही के साथ बच्चों को सर्व करना है, तो वैसे आप लोग इसे चाय के साथ भी, ये सुबह नाश्ते पे बहुत ही मज़े का लगता है। तो इस वक्त तो बच्चे स्कूल से आए थे, तो मैंने गोभी का सालन बनाया हुआ था, जिसकी कि रेसिपी मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो उसी रेसिपी से मैंने गोभी वाला जो था ना, उसे गोभी को मैश करके तो ये पराठे में मिक्स कर लिया था इसका मिक्सचर। तो ये देखें जी, दोनों साइडों से पराठा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़े का हो गया तैयार। जी तो यहाँ पे मैं इसे अब प्लेट में रख लूँगी, और देखें कितनी मज़े का ना पराठा बना है माशाल्लाह, इधर से भी और दूसरी इसकी साइड से भी। ये देखें जी, बहुत क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी। और जी ये दूसरा पराठा भी मेरा तैयार हो गया है। ये देखें जी माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े का पराठा माशाल्लाह बना है इसके साथ। और मैं गोभी बनाती भी इसीलिए हूँ कि इसकी सालन के बजाय ना पराठा, इसका बहुत मज़ा आता है इसका पराठा खाते हुए। तो सालन अपनी जगह मज़े का है, पर जो पराठे का टेस्ट है ना, वो तो इसका क्या ही बात है ना। तो जी आज की मेरी रेसिपी हुई ख़त्म, इसके साथ ही मैं व्लॉग भी ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी और नेक्स्ट व्लॉग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।